नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। तैयारी में जुटा थारू महासंघ। थरवड़ के 250 गांव में 8 जनवरी को रहेगा उत्साही माहौल। मुखरित होगी जनजाति समुदाय की लोक सांस्कृतिक। तैयारी अभी से शुरू। 2003 में अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने की उपलक्ष्य में होता है यह आयोजन। थरवड़ इलाके के 250 गांव में आगामी 8 जनवरी को उत्साही माहौल रहेगा। 2003 में 8 जनवरी को ही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, राजग सरकार ने थारू समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किए जाने से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। इसी के साथ थारू समुदाय का लगभग 5 दशक लंबा संघर्ष सफल हुआ था। इस सफलता के उपलक्ष्य में यह समुदाय प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को थारू दिवस मनाता है। गांव गांव में उत्सव मनाया जाता है। बघादो प्रखंड के कटहरवा गांव में मुख्य समारोह आयोजित होता है। भारतीय थारू कल्याण महासंघ कार्यक्रम की तैयारी में जुटा हुआ है। इस वर्ष कटहरवा गांव में मुख्य समारोह के आयोजन की तैयारियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय थारू कल्याण महासंघ की तापा राजपुर इकाई की बैठक महेश्वर काजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन रविंद्र महतो ने किया। समारोह में हिस्सा लेने वाले लोक कलाकारों के सांस्कृतिक दलों के चयन की जिम्मेदारी निर्धारित की गई। कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र बनेगी लोक नृत्यों की प्रस्तुति। भारतीय थारू कल्याण महासंघ के केंद्र अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद ने बताया कि वाल्मीकि नगर व हरनाटार से मैनाटार तक जंगल के तराई क्षेत्र में बसे थारू जनजाति के बहुमूल्य वाले 250 गांवों में 8 जनवरी को महासंघ के ध्वज का झंडोत्तोलन किया जाएगा तथा महासंघ के संघर्षों की सफलता के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जाएगा। कटहरा गांव में आयोजित मुख्य सांस्कृतिक आयोजन में थारू समुदाय के पारंपरिक लोक संस्कृति को मुखरित करने वाले गीत, नृत्य व अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ पारंपरिक खान पान व रहन सहन, रस्म रिवाज आदि से जुड़े संसाधनों को प्रदर्शित किया जाएगा। झमटा, रसधारी, बिरहनी, झरका आदि लोक नृत्य विशेष आकर्षण बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज, बेतिया।